नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें की करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन दिनों के यानी कि इधर भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके पैटर्न को देखें तो करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ भी रहा है, इसलिए ये क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको रेगुलर जो है रेगुलर बेसिस पे देखना होगा, रेगुलर आपको अपडेट होना होगा। तो इसलिए आप रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करिए, और जो कुछ भी मैं आपको बता रही होती हूँ, क्योंकि आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, और साथ ही साथ मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ अपने साथ क्लास के दौरान एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान बहुत सारे और भी चीजें बताती हूँ, पॉइंट्स बताती हूँ, फैक्ट्स बताती हूँ जहां से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो उन्हें भी साथ में नोट डाउन करते हुए चला करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले मैं कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड किसी भी क्लास की जो है नोटिफिकेशन, जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलता रहेगा, तो और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए अगले वर्ष यानी कि 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है फिजी में, ठीक है। फिजी में इस विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये 12वां सेशन है, ठीक है, 12वां संस्करण। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो फिजी है, जो कंट्री वहां पे, एक शहर का नाम है नाडी, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन होगा ये 15 से 17 फरवरी के बीच में किया जाएगा 2023 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाडी में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो भारत के विदेश मंत्रालय और साथ ही साथ फिजी की जो सरकार है उन दोनों के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल होगा उसका जो नेतृत्व किया जाएगा वो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में जिनका नाम है एस जयशंकर, तो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, उनके द्वारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें कि फिजी के बारे में, फिजी ही क्यों ऐसा देश है, फिजी को ही क्यों हमने चुना भारत सरकार ने कि हिंदी दिवस जो है, हिंदी सम्मेलन यहाँ पे मनाया जाएगा, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखा जाए, सबसे पहले ये देखा जाए कि वहां की जो बहुत बड़ी आबादी जो है वो भारतीय मूल की है, और यहाँ पे जो देखा जाए फिजी में 3 भाषाओं को सरकारी स्तर पर मान्यता दिया गया जिसमें से एक हिंदी भी है, ठीक है। और अगर हम यूनाइटेड नेशन का एक डेटा देखें वर्ष 2020 का, तो उसमें यह बताया गया है कि जो वहां की जनसंख्या है देखा जाए कितना, तो 8,96,000, ठीक है, जो यहाँ की जनसंख्या है उसमें से भी देखा जाए जो 30% है वो 30% अधिक लोग जो है भारतीय मूल के हैं, जिस कारण से यहाँ पे हिंदी काफी ज्यादा एक तरीके से महत्व रखती है भाषा। और हमने ये भी देखा कि वहां पे सरकारी स्तर पे जो 3 भाषाओं में से एक हिंदी भाषा भी है, ठीक है, इसलिए फिजी यहाँ पे जो है फिजी को चुना गया और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी में किया जाएगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं फिजी के बारे में, चूंकि छोटा द्वीपीय देश है, ये इसके बारे में देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओशनिया, ओशनिया में आप देखिए यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन दिख रहा है किधर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे छोटा सा द्वीपीय देश दिखेगा आपको कौन सा दोस्तों, फिजी दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये कंट्री जो है स्थित है। यहाँ पे एकदम नीचे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिखाई देगा फिजी, ठीक है, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, ये सुवा इसकी कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी है वो फिजी डॉलर है, और यहाँ की जो राष्ट्रपति उनका नाम देखे गया है रतो विलियम काटोनी वेरे, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशन में है ये, साउथ पैसिफिक के जस्ट ऊपर है ये, ओशनिया में ये स्थित है, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया। देखिए हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, और ये कब मनाया गया दोस्तों, तो ये 9 दिसंबर को मनाया गया। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही होती हूँ, हम जब भी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो कोशिश क्या करिए कि आंसर खुद से देने की कोशिश करिए। इसके लिए क्वेश्चन जब आप देख लें तो अपना वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। इससे आपका देखिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है उनका रिविजन होगा, जिन्हें आंसर नहीं आ रहा है वो भी ट्राई करें आंसर देने की, अगर वो गलत होंगे तो उसको करेक्ट जब करेंगे तो वो आंसर उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर देते रहा करिए आप सभी लोग। चलिए आते हैं हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है
हर साल किस तारीख को दोस्तों? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डेज की, तो देखिए हमने अब से ये भी बात किया कि डेज से रिलेटेड थीम भी होती है। इसी थीम के अकॉर्डिंग जो है लोगों को वो किया जाता है, जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है। और इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की जो थीम रही वो देखिए क्या है, UNCAC Act 20, भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। सारे लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हो, ये इस वर्ष की थीम थी। ये देखा जाए इस दिवस को जो मनाया जाने का उद्देश्य क्या है, लोगों को जागरूक करना किसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। और इस दिवस को 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया था। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए 2003 की बात है, लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया। और ये जो सम्मेलन, ये जो कन्वेंशन है, इसको वर्ष 2005 में लागू किया गया दिसंबर को। और तभी से 2005 से तभी से हर साल जो है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो 2003 में इस कन्वेंशन को मतलब लाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको लागू 2005 में किया गया दिसंबर में, और तभी से ही इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें, देखिए एक भ्रष्टाचार दर सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इस वर्ष जो 2021 का जारी किया गया था उसमें देखा जाए 180 देश थे शामिल किए गए थे इस इंडेक्स में, भारत जो है 85वें स्थान पे था। तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, 180 देशों में भारत का देखा जाए 85वां स्थान था। और टॉप में देखा जाए कौन सी कंट्रीज थी दोस्तों, तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर देखिए कितना था, 88 स्कोर था। और ये संयुक्त रूप से तीनों जो है शीर्ष स्थान हासिल किए थे कि यहाँ पे एक तरीके से भ्रष्टाचार काफी ज्यादा कम है। ठीक है, ना के बराबर है, 88 स्कोर है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे एक नियमित तरीके से चीजें चलती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है हर चीज में, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं, टीना बालुआटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखिए अभी हम लोगों ने रिसेंट बहुत सारी जगहों के बारे में बात किया, बहुत सारे जो है देश में पहली महिला राष्ट्रपति या पहली प्रधानमंत्री के रूप में महिला नियुक्त की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीना बोलुआटे जो बनाई गई है, ये दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है पेरू, तो ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। इनकी आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पेरू की अगर देखा जाए, राजनीतिक उथल पुथल काफी ज्यादा पेरू मचा, काफी समय से मचा हुआ। और यहाँ पे इसी दौरान जो है पेरू की जो कांग्रेस थी, पेरू कांग्रेस ने जो वर्तमान वहां के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है ड्रो कैस्टिलो, उनको उनके पद से हटा दिया, उन्होंने अपने पद से फिर इस्तीफा दे दिया ड्रो कैस्टिलो। और उन्हीं के स्थान पे वहां के जो पेरू कांग्रेस ने अगले जो राष्ट्रपति चुना वो है कौन, डीना बोलुआटे, जो कि वहां की है इस समय वर्तमान उपराष्ट्रपति थी। ठीक है, तो उनके स्थान पे, ठीक है, ड्रो कैस्टिलो के स्थान पे वहां के उपराष्ट्रपति डीना बोलुआटे को पेरू कांग्रेस ने अगला राष्ट्रपति चुना। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये वहां की पेरू की जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। आइए तो आप पेरू के बारे में भी देख ले, साउथ अमेरिका का ये छोटा सा देश है पेरू, आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका की कंट्री है सारी की सारी। और यहाँ पे आपको वेस्ट की तरफ दिखाई देगा दोस्तों पेरू। ठीक है, पेरू की अगर बात किया जाए, इसकी कैपिटल देखिए, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन से लगा हुआ इसकी कैपिटल है, लीमा है। और यहाँ पे आप बात करेंगे कौन कौन सी जो कंट्री है वो पेरू से अपनी सीमा को साझा कर रही है, तो यहाँ पे आपको उत्तर की तरफ दिखाई देगा इक्वाडोर, यानी कि इक्वेटर का डोर, इसीलिए इस देश का नाम इक्वाडोर है। यहाँ से देखिए 0 डिग्री आपको इक्वेटर गुजरते हुए दिखेगी। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कोलंबिया, फिर ब्राजील, फिर बोलिविया, और फिर हमें सिली देखने को मिल रहा है जो पेरू से अपने सीमा को साझा कर रही है। ठीक है, पेरू जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, लीमा है, और यहां की मुद्रा सोल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा पेरू। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? देखिए अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक सूची जारी किया है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट वार्षिक, और इसमें जो है कुछ भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि कितनी भारतीय महिलाओं को फोर्ब्स के द्वारा जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह दिया गया, स्थान दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ, आप लोग आंसर दीजिए, मैं देख रही हूँ। ठीक है,
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी, यानी कि 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है फोर्ब्स की लिस्ट में। और यहाँ ये बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए अभी हाल में ही देखा जाए जो फोर्ब्स ने अपनी सूची जारी किया है दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं उनकी सूची, और 100 महिलाओं की सूची में देखा जाए 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, ठीक है 100 में। जिसमें से देखा जाए सबसे जो पहली बात करें हम 36वें स्थान पे देखा जाए कौन है, भारत की जो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, ये है शामिल की गई हैं, ये 36वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा ये लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। इसके अलावा देखा जाए अन्य जो भारतीय 5 महिलाएं बची जो इस फोर्ब्स सूची में शामिल हुई हैं उसमें से देखा जाए कौन कौन सी है, तो SCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा जिनका देखा जाए तो 53वां स्थान है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेवी की चेयरपर्सन है माधुरी पुरीबुज, ध्यान रखिएगा कि ये सेवी की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है माधुरी पुरीबुज, इनका स्थान देखिए क्या है 54वां है। बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर इन्होंने, और ध्यान रखिएगा सेल यानी कि सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल इन्होंने 67वां स्थान बनाया। ध्यान रखिएगा ये भी जो है सेल की पहली महिला चेयरपर्सन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरीबुज आपसे पूछा जा सकता है सेबी की वर्तमान चेयरमैन कौन है। जो सेल की देखा जाए जो भारत की महारत्न कंपनी में से एक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहला चेयरमैन कौन है सोमा मंडल, इन्होंने भी देखा जाए फोर्ब्स की जो दुनिया की टॉप सबसे पावरफुल जो वुमेन्स हैं उनकी सूची में इनको शामिल किया गया है। अगर हम बात करें शीर्ष पे कौन सी महिला रही है सबसे टॉप पे, तो यहाँ पे देखा जाए यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो अपना नेतृत्व प्रदर्शन करने वाली यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बनी, ठीक है ध्यान रखिएगा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन, और इन्होंने ही सबसे टॉप पे इनका नाम रहा है जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, और इन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पे देखा जाए तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष है क्रिस्टिन लेगार्ड इनको दूसरा स्थान मिला है। वहीं अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस इनको जो है तीसरा स्थान मिला है, ठीक है तो आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, और भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये लगातार चौथी बार जो है इस लिस्ट में शामिल हुई, 36वें स्थान पे नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मंडूज का नामकरण किस देश ने किया। देखिए कोई भी जब तूफान आता है चक्रवात आता है तो उसका किसी न किसी देश के द्वारा नाम दिया जाता है, ठीक है अक्सर आप लोग तितली सुने होंगे, ठीक है बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे एक तूफान अभी हाल फिलहाल में चर्चा में जिसका नाम है मंडूज, इसका जो है इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया, तो थाईलैंड श्रीलंका संयुक्त अरब अमीरात या फिर भारत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है इसका नाम रखा है मंडूस। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये चक्रवात जो है भारत के जो ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है जैसे कि तमिलनाडु हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया उस तरफ ये बढ़ रहा है, आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना ये जो है तूफान है चक्रवात है जिसका नाम है मंडूस, ठीक है मंडूस, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, बढ़ते हुए कराईकल और चेन्नई में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है तो अभी रुका हुआ था तमिलनाडु की तरफ ये उधर तरफ बढ़ भी रहा है, और जो नाम है मंडूज इसका नाम रखा गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा। चक्रवात की बात करें इस समय जो इसकी वर्तमान स्थिति है अभी देखिए तो यहाँ पे चक्रवात मंडूज के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कल मध्य रात्रि तक तमिलनाडु पुडुचेरी निकटवर्ती दक्षिण आंध्र तट को पार करने जाने की संभावना है। तो देखिए कभी भी कोई जो तूफान आता है वो आपसे ये पूछता है कि किस तरफ ये तूफान जो है उठा था, तो यहाँ पे जो मंडूज है वो बे ऑफ बंगाल में उठा था, इसका जो नामकरण रखा गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा रखा गया था, बस इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक और तूफान के बारे में बात किया था जो है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बे ऑफ बंगाल में उठा था, उस तूफान का नाम बताइए मुझे क्या था और उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था, उसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया था वो आप मुझे बताएं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के द्वारा फीफा फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा, तो जो फीफा फाइनल की जो ट्रॉफी है उसका अनावरण किस अभिनेत्री के द्वारा किया जा रहा है, दीपिका पादुकोण प्रियंका चोपड़ा माधुरी दीक्षित या फिर सुष्मिता सेन।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उन्हीं के द्वारा जो है फीफा फाइनल की जो ट्रॉफी है उसका अनावरण किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है इस वर्ष 2022 का जो फीफा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो कतर में किया जा रहा है, और कतर जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अरब कंट्रीज में फीफा इवेंट हो रहा है, और ये पहली बार भी हो रहा है कि इसके फाइनल कप का जो अनावरण किसी अभिनेत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे बॉलीवुड जो अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण को कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की ट्रॉफी का अनावरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें जो फाइनल मैच होने वाला है फीफा का वो 18 दिसंबर को होगा, और कौन सा स्टेडियम है, तो कतर के लुसेल स्टेडियम में होगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जगह देखा जाए फीफा वर्ल्ड कप जो है ये इसके बहुत ज्यादा ऑडियंस है, बहुत ज्यादा ये देखा जाने वाला गेम है, और इसी गेम के आयोजन और इस तरह का ये सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री होंगी दीपिका पादुकोण की, इनको जो है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो ट्रॉफी है उसका अनावरण करने का जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह का सम्मान पाने वाली ये पहली अभिनेत्री है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उसके पहले आप मुझे ये बताएंगे कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो किस कंट्री में होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह आयोजित किया जाएगा। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का जो समारोह आयोजन किया जाएगा वो देखिए उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में किया जाएगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक है, ये एक दो दिनों का जो है वार्षिक सम्मेलन है, और ये देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 से लेकर के 11 दिसंबर के बीच में किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब आज से शुरुआत होगी, दो दिनों तक ये चलेगा, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे जो इस सम्मेलन, इस समारोह का जो उद्घाटन किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया जाएगा। किसकी किसकी उपस्थिति में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है वर्तमान में मनसुख मांडविया, वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में ये इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है वो देखिए कहां पे किया जा रहा है, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, देखिए रुद्राक्ष हॉल, ठीक है, रुद्राक्ष हॉल में किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिए रुद्राक्ष हॉल कहां पे है दोस्तों, ये है आपका वाराणसी में, और यहीं पे देखा जाए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 जो है विषय दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप मुझे बताइए जो रुद्राक्ष हॉल को बनाया गया था वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है। तो 9वीं जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 2022 का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, वो किया गया गोवा में, ठीक है, आइए गोवा में किया गया, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है पणजी के गोवा में, और इसकी शुरुआत हुई है 8 तारीख से, और ये 11 दिसंबर यानी कि कल तक ये चलेगा, ठीक है। गोवा की जो कैपिटल है पणजी में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन देखिए किया जा रहा है केंद्रीय पर्यटन और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री यहाँ पे मंत्री जो है श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री जो है गोवा के वर्तमान डॉक्टर प्रमोद सावंत, और आयुष मंत्रालय के जो सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में किया गया है। कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य क्या है, ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का जो कार्यक्रम है 9, इसका उद्देश्य देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना, ठीक है, दूसरी बात करें जो आयुर्वेद का क्षेत्र इसके भविष्य की कल्पना करना, और इसके लिए देखा जाए साथ ही साथ आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना, और इस बढ़ावा देने के लिए जो इससे संबंधित जो पेशेवर है जो उपभोक्ता है उनके बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग आदि के लिए मंच प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य इस एक्सपो का, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखिएगा जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया है वो पणजी में किया गया गोवा में, ठीक है। आइए
उसके ये भी देखते हैं कि थोड़ा आयुर्वेद के क्षेत्र में, यानी कि ये जो आयुष है यहाँ पे, यहाँ इसका इसके जो बाजार है आयुर्वेद से रिलेटेड, उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पे भारत में आयुष यानी कि आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक क्षेत्र का बाजार का आकार देखिए, जो 2014 में कितना बिलियन डॉलर था दोस्तों, वो 3 बिलियन डॉलर था, और अभी वर्तमान में यानी कि 2022 में 8 वर्षों में ये बढ़ करके 18 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है, जिसमें से 6 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो बहुत बड़ी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में, इसीलिए सरकार जो है इसे और भी वर्ल्ड स्तर पे ले जाने के लिए ये प्रयास कर रही है विश्व स्तर पे, और ये विभिन्न जो है इससे संबंधित जो लोग रहे हैं उनसे भी बातचीत करके किस तरीके से इसको जो है वर्ल्ड लेवल पे ले जाना, इसके वाणिज्यिकरण करना इसका, इस पर विचार किया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राज्यसभा का नया सभापति नियुक्त किया गया। देखिए राज्यसभा का उपसभा जो उपराष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति, वही सभापति नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं और यहाँ पे जगदीप धनखड़, चूंकि पता है शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और उसको संबोधित सभापति कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ को 7 दिसंबर को ठीक है राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इनके बारे में बात करें, 7 दिसंबर को जो है संसद का शीतकालीन सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, और जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के तौर पे अध्यक्षता की है, और अगस्त इसी साल जो है अगस्त 2022 में ये 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ ने शपथ ली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जगदीप धनखड़ ही जो है भारतीय उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चल आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है दोस्तों, वो बनी है मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत जो है ये बनी है पहली महिला अध्यक्ष टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये है, और यहाँ पे हम बात करें तो ये पहली महिला जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बनी है अध्यक्ष, क्या नाम है दोस्तों, मेघना अहलावत। ठीक है, और इन्होंने स्थान लिया है यहाँ पे जो दुष्यंत चौटाला का। वही बात करें कि यहाँ पे जो पूर्व टेबल टेनिस दिग्गज है जिनका नाम है कमलेश मेहता, वो महासचिव नियुक्त किए गए हैं, और इससे संबंधित टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन इंडिया के जो कोषाध्यक्ष बनाए गए वो पटेल नागेंद्र रेड्डी। ठीक है, अगर हम बात करें इस फेडरेशन यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से था दोस्तों आज का 10 हमारा एमसीक्यू। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द डे की तरफ चलें, और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जिन्हें टाइम्स पत्रिका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पति लिख गया है, टाइम्स पत्रिका द्वारा, ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया, कौन है दोस्तों, तो ये है वोल्दिमीर जेलेंस्की, जो कि वर्तमान यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो है नॉमिनेट किया गया है। मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक का विवेचन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो मानसी गुल्टी के द्वारा किया गया। ठीक है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड कि जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, कौन, शाजी केवी। ठीक है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही बात करें ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष देखिए किसे नियुक्त किया गया, अरुण कुमार सिंह को किया गया। ठीक है, ये भी महारत्न कंपनी। वही बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है किसे दोस्तों, तो H कानिटकर को किया गया है। ठीक है, तो ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच है। चलिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और हर दिन जो है आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलती है, PDF को डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और जो कुछ भी प्रश्न पूछा गया सेशन के दौरान वो लोग आंसर करें उसका आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।